प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक इंटीग्रेटेड वे में होलिस्टिक वे में डेवलप करने का जो विजन है उसी के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह स्थापित किया गया था। उसमें शुरू से रेलवे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड प्रोग्राम्स थे, फिर स्टेप बाय स्टेप रेलवे से बाहर दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स हैं उसको जोड़ा गया। पिछले वर्ष एयरबस के साथ एक एमओयू किया गया था जिसमें एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज गतिशक्ति विश्वविद्यालय में स्टार्ट हो, उसी एमओयू के तहत काम करके आज पहला बीटेक एविएशन कोर्स एयरबस के साथ मिलके आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ विशेषता इसमें यह है कि जो 40 बीटेक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनकी कंप्लीट ट्यूशन फीस, रहने की फीस, सारे के सारे खर्चे 1.5 लाख रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप के जरिए एयरबस उसकी व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ एयरबस अपने फैक्ट्रीज़ में और अपने ऑपरेशंस में इन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और मेंटोरशिप भी करेंगे। एयरबस साथ ही साथ गतिशक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक चेयर प्रोफेसर भी स्थापित कर रहा है। करीब 15,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस पूरे प्रोसेस में और ये एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत बनी है, जिसमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिल के इस तरह से काम करें कि छात्रों को जो उचित पर्सनालिटी डेवलपमेंट और राइट स्किल्स और राइट एजुकेशन मिले